ऐसे खिलाड़ी की जिसकी बात करनी यहाँ पर बहुत जरूरी है वो है अर्जुन तेंदुलकर। तीसरा मैच था और उस तीसरे मैच के अंदर उन्होंने प्रदर्शन क्या किया पहले वो आप बता दें, उसके बाद उनकी स्टोरी। बिल्कुल सही बात है। चलिए अर्जुन तेंदुलकर के स्टैट्स पे एक बार सरसरी निगाह डाल लेते हैं। अर्जुन तेंदुलकर ओवर इन्होंने 3 फेंके हैं, मिडन कोई भी नहीं, रन इन्होंने 48 दिए हैं, विकेट इन्होंने 1 लिया है, इकोनॉमी 16 की, मतलब 16 की इकोनॉमी ये समझ लीजिए कि दुगनी तिगनी इकोनॉमी है जो होनी चाहिए उसके हिसाब से। आज इनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही घबराई हुई है, वो नर्वस बच्चा नहीं होता जो जिसे अगर बोल दिया जाए कि ये क्या कर रहे हो और वो डर जाता है, बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी आज। बिल्कुल, यहाँ पर जो अर्जुन तेंदुलकर की बात करनी होगी, 16वां ओवर था जो इन्होंने डाला, उस 16वां ओवर जो है उसमें 31 रन पड़े हैं, 31 रन। मुंबई की तरफ से सबसे महंगा ओवर जो था वो नहीं था, ये दूसरा सबसे महंगा ओवर था जो मुंबई इंडियंस की तरफ से किसी गेंदबाज ने डाला हो, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा सबसे महंगा ओवर, एक ओवर में 31 रन दिए, ये 16वां ओवर था ध्यान रखिएगा, और इस 16वें ओवर ने जो है ना खोल के रख दिया मुंबई की गेंदबाजी को। इसके बाद हर गेंदबाज पिटा, जो आया वो पिटा, और आखिरी 5 ओवर्स के अंदर जो है पंजाब ने लगभग जो है 100 रन जोड़ लिए, टू बी प्रिसाइज 96, लगभग करीबन 100 रन जोड़ लिए, और 8 गेंदे इन्होंने डाली इस ओवर के अंदर, 6 गेंदे थी, 1 वाइड 1 नो बॉल, तो ये 8 गेंदे इनकी गई, साथ में 4 चौके पड़े 2 छक्के पड़े, हरप्रीत और सैम करन क्रीज पर थे, दोनों ने जो है पिटाई लगाई, और पहली बार अर्जुन तेंदुलकर अंडर स्ट्रेस आए, और वो लाजमी है, आप अगर वानखेड़े पे खेलोगे, ये आप गेंदबाज हो, इस स्ट्रेस की आपको आदत होनी चाहिए, एक बीमर भी उन्होंने डाल दी क्योंकि वो स्ट्रेस की उतनी आदत है नहीं, पहली बार इतने बड़े मंच पर जो है पिटाई लगी है, और गेंदबाजों की पिटाई लगती है, आपको वो स्ट्राइड में लेना पड़ता है कि भाई आपके दिन नहीं होते, गेंदबाज को अक्सर जो है वो पिटाई लगती है, उसके जो मुस्कुराने के दिन होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, ये गेंदबाज के साथ परेशानी होती है, और खासतौर पर ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर हर गेंदबाज पिटाए, मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई की तरफ से सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर पिटे, मुंबई की तरफ से बाकी सारे गेंदबाज पिटे, अर्जुन तेंदुलकर थोड़े ज्यादा पिटे, और एक ओवर जो उनका वो था उसने मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर दिया पंजाब की तरफ, ये था पूरा मामला। 3 ओवर में उन्होंने 48 रन दे दिए जैसे अभी अलका ने आपको बताया, और 1 विकेट उनको मिला प्रभसिमरन सिंह का, पहली बार अंडर पंप थे, और रोहित शर्मा भी आए उनके पास जब उन्होंने बीमर डाल दी थी कि भाई आप थोड़ा शांत हो जाओ, समझाया बुझाया कि भाई इस तरीके से नहीं, और पहली बार ऐसा हुआ है उनके साथ, पहली बार उनकी धुनाई लगी है, कई बार ऐसा हो जाता है लेकिन जब रोहित शर्मा उनको समझा रहे थे कुणाल, उन्होंने ना जैसे कि मतलब अगर कोई बड़ा समझाता है तो कैसे हम गुस्से में कभी पैर पटकते, वो बड़े नर्वस से दिखाई दे रहे थे, मतलब कभी पैर पटक रहे हैं अपने, मतलब वो देख नहीं, नजर नहीं मिला पा रहे थे उनसे, शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा अंदर से उनको ना बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी, या फिर उनको ये लग रहा था ये कैसे हो गया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि एक के बाद ना वो गलत गेंदे तो जाती चली गई ना, और उसके बाद क्या हुआ, पंजाब की जो टीम थी उनका मोमेंटम हाई हो गया, उसके बाद उन्होंने सबकी पिटाई कर दी। देखिए क्या होता है ना, अर्ली डेज है, पिछले 2 मैचेस अच्छे चले गए, आपके हर मैच अच्छा नहीं जाएगा, आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, आपका एक मैच अच्छा जाएगा, एक मैच बुरा जाएगा, आज ताली पड़ेगी, कल गाली पड़ेगी, इन चीजों के साथ जीना पड़ेगा। अर्जुन तेंदुलकर के लिए नया नहीं है, सचिन तेंदुलकर ने इतने अप्स एंड डाउन अपने जीवन में देखे हैं, कई बार लोगों ने उनको नकार दिया कि अब ये खत्म हो गए हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे, और ये फलाना ढिमका 100 अंतरराष्ट्रीय शतक उन्होंने लगाए, और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और गेंदबाज के साथ ज्यादा। ये बात आपने बिल्कुल सही की, गेंदबाज के मुस्कुराने के दिन थोड़े लिमिटेड तो होते हैं, थोड़े कम होते हैं, उसके मौके कम मिलते हैं, और वो अर्जुन तेंदुलकर को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, मैच्योरिटी आएगी, कई बार ना आप पिटाई खा के भी बहुत कुछ सीखते हो, ये समझ में आएगी जब आपको रन पड़ते हैं ना, तो फिर हर दूसरी गेंद जो गलत ही पड़ने लगती है, फिर वो सही नहीं पड़ती। Exactly. वो यॉर्कर्स जो उन्होंने उससे पहले जो उन्होंने 2 ओवर्स डाले उसमें एक बड़ी अच्छी यॉर्कर भी डाली, बड़ी तारीफ भी होती है उनके यॉर्कर की, मगर जब पिटाई लगने लगती है ना तो फिर सब कुछ बिखर सा जाता है, ये मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, मगर सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये पिटाई पहली बार लगी है, कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, या तो बहुत हो सकता है कि अगली बार जब वो बॉल डालें तो उन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आज मुझे लगता है कि सचिन भी उनको कुछ तो जरूर समझाएंगे, क्योंकि वो भी थोड़े से मुझे ना ऐसे टेंस हो जाता है ना, कि मतलब मुझे एक और चीज लगती है कि अर्जुन के सामने ना वो बार बार सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल और वो खुद मैच देख रहे थे, वो भी एक प्रेशर ना, आप अनजाना सा प्रेशर एक बैक ऑफ द माइंड ना चलता रहता है, बिल्कुल
प्रेशर तो होता है, वो प्रेशर लगातार उनके साथ, उनके तो पूरे जीवन पे वो प्रेशर है ही ना, रहेगा वो रहेगा प्रेशर, क्योंकि अगर आपके पिता इतने सक्सेसफुल हो, सेम फील्ड में हो, तो वो प्रेशर जो है वो लाजमी है, वो आता है, आपके लिए स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट हो जाते हैं कि उनको अचीव करना, तो शुक्र है कि वो बॉलर नहीं थे वरना और भी ज्यादा प्रेशर बन जाता। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि कम से कम बॉलिंग और बैटिंग का फर्क है, नहीं तो वो प्रेशर जो है ना वो हर एक मापदंड जो है, हर शॉट पे जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, और वो कंपैरिजन जो है थोड़ा सा मतलब अनफेयर हो जाता है, बिल्कुल अनफेयर है। और अर्ली डेज है अर्जुन तेंदुलकर के करियर में, वो धीरे धीरे यहाँ पे जरूर करेंगे।